वी विल कंटिन्यू विद द बैक्टीरियल और इन्फेक्शियस कंजंक्टिवाइटिस. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्टेफ ऑरियस या जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन. इसके अलावा गोनोकोकल इन्फेक्शन. नाउ वी विल सी मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस. और मेम्ब्रेन से आपके जहन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ डिफ्थेरिया. इसी में हमने मेम्ब्रेन फॉर्मेशन आगे भी और डिजीज़ में भी पढ़ी है, लाइक टॉन्सिल्स और एट्सेट्रा अदर डिजीज़. उसी तरह यहाँ पे भी स्यूडो मेम्ब्रेन और फिर परमानेंट मेम्ब्रेन हमें नज़र आएगी. इसके बिल्कुल थोड़ी सी बातें जो हमने देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोराइनियम बैक्टीरियम डिफ्थेरिया आपको पता होना चाहिए और ये बहुत रेयर इन्फेक्शन है. उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो फाइब्रस एक्सुडेट है वो एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन हमें नज़र आएगी. ये बात इस तरह से नहीं है जो ये लिखी है. इनिशियली सूडो मेम्ब्रेन होती है जो कि ईजिली रिमूव हो जाती है, और लेटर वो मेम्ब्रेन एडहेरेंट हो जाती है जो ईज़िली रिमूव नहीं हो रखी. और अगर हम रिमूव करेंगे तो वहाँ हमें ब्लीडिंग नज़र आएगी. तो ये बात आपने याद रखनी है. इस तरह से ये जो लिखा है ये नहीं सही लिखा. ये वाइटिश किस्म की मेम्ब्रेन होती है जो कि बल्बर कंजंक्टिवा पे नहीं होगी, सिर्फ पैल्पेब्रल या फिर फॉर्निक्स पे हमें नज़र आएगी. और जो इसके अलावा डिफ्थेरिया का ही मेन हम लेते हैं इन केस हमें मेम्ब्रेन नज़र आए, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन. इसकी कॉम्प्लिकेशन सिमिलरली जैसे हमने पिछले में देखा, कॉर्निया इन्वॉल्व हो सकता है तो कॉर्नियल अल्सरेशन होगी. और कंजंक्टिवा की ही मज़ीद कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हमें नज़र आ सकती हैं. कुछ इंपॉर्टेंट नाम है या आपने कॉम्प्लिकेशंस डिफ्थेरिया की देखनी है ये पूछी जा सकती हैं आपसे. फर्स्ट इज़ ज़ीरोफ्थैल्मिया या फिर ड्राई आई, जो कि वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी में आमतौर पर हमें नज़र आता है. देन इज सिम्ब्लेफ्रॉन, दैट इज़ एडिशन ऑफ पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा टू द बल्बर कंजंक्टिवा. यानी ये हमने देखा कि ये फॉर्निक्स पहले होती है, फिर ये बल्बर कंजंक्टिवा में इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है. इफ़ यू कैन रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे क्या होगा, इनकी आपस में वैसे ही एडिशन हो गई है ऑफ द पैल्पेब्रल एंड द बल्बर कंजंक्टिवा. तो आपको पता है फिर वो आईज की ओपनिंग में मसला होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्ब्लेफ्रॉन. फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एनकाइलोब्लेफ्रॉन, दैट इज़ फ्यूजन बिटवीन द अपर एंड द लोअर आईलेड्स. ये इस तरह से दो आईलेड्स हैं इनके दरमियान में इस तरह सिंगल एडियन या फिर दो तीन जगह हमें एडियंस नज़र आएंगी, जिसकी वजह से अगेन ओपन करने में इशू होगा. फिर आती है एनट्रोपियन, जो हमने पहले भी देखा है, दैट इज़ जो आपकी आईलेड है वो इनवर्ट टर्न कर जाती है. या ट्रिकीएसिस, जो कि रेगुलर इरेगुलर कुछ हमें रे ऑफ आई लैशेज नज़र आएंगी, दैट कैन इरीटेट द कंजंक्टिवा एंड एज वेल एज द कॉर्निया. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है रिगार्डिंग द कंजंक्टिवाइटिस रिलेटेड टू डिफ्थेरिया. ज़ीरोफ्थैल्मिया, सिम्ब्लेफ्रॉन, एनकाइलोब्लेफ्रॉन, एंट्रोपियन एंड ट्रिकीएसिस. उसके बाद डायग्नोसिस सेम क्लिनिकल बेसिस पे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं. उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट. अब यहाँ ट्रीटमेंट अभी तक आपने देखा कि बैक्टीरियल में सेम ही बातें जा रही हैं, एक आधी बार डिफरेंट हो जाती है रिगार्डिंग द बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड. सेम हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन करनी है, उसके बाद इन्फेक्शन. बेशक ये रेयर है लेकिन सवेयर ज़रूर है, इसी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशन हमें भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं. सो यहाँ पर हमने इरीगेशन के बाद हमने एंटीबायोटिक्स देनी है, सेम सिस्टेमिक प्लस टॉपिकल. अब एक इम्पॉर्टेंट बात रिगार्डिंग डिफ्थेरिया ये है कि हम एंटी टॉक्सिन देते हैं ऑफ द डिफ्थेरिया टॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिन ही है जो इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, तो ये एंटी टॉक्सिन मस्ट है. इसके अलावा सेम बातें हैं कि स्टीरॉयड्स हमने यूज़ नहीं करने, आई बैंडेज हमने नहीं करनी, सारी बातें सेम आ जाएंगी. उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर हम बैक्टीरिया को ही कंटिन्यू करें, दैट विल बी न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस या ऑप्थेल्मिया न्यूरेटम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको केस दे दिया जाए कंजंक्टिवाइटिस का और साथ मेंशन हो कि ये न्यू बॉर्न है, तो वहाँ पे हमने डायग्नोस करना होता है. ये बहुत डिटेल से इस तरह से आपने नहीं करना जितना यहाँ लिखा है, जितना मैं बताऊँगी जस्ट वो इम्पॉर्टेंट है, आपने उतना ही करना है, इतना ही आता है पेपर में. मेन चीज़ इसको डायग्नोस करने की है, बाकी और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. अब ये याद रखना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3 to 4 weeks तक कोई डिस्चार्ज नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि टीयर प्रोडक्शन नहीं होती. अगर फर्स्ट वीक में हमें कोई डिस्चार्ज नज़र आ रहा है, इट मींस देयर इज़ सम पैथोलॉजी गोइंग ऑन.
अब यहाँ अगर हम देखें तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। टाइमिंग के लिहाज से हम कॉज डिटरमिन करते हैं। अगर विद इन फर्स्ट वीक हमें कोई इस तरह से डिस्चार्ज नज़र आ रहे हैं, दैट विल बी गोनोकोकल, जो हमने पहले भी देखा है। और इसके अलावा स्टेफलोकोकस या और जो हैं वो कम ही होते हैं विद इन द फर्स्ट वीक, और वो इतने सवेयर नहीं होते। उसके बाद अगर 1 to 2 weeks के अंदर हमें नज़र आए, दैट इज़ हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, और हर्पीस सिंप्लेक्स के फिर हमें बाकी सिम्टम्स भी नज़र आएंगे इसके साथ। फिर अगर क्लेमीडिया की बात करें तो विद इन 1 to 3 weeks, यानी कि ये एचएसवी से थोड़ा सा लेट प्रेजेंट कर सकता है। और क्लेमीडिया के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली हमने यहाँ देखने हैं, जैसे हमने सारे बैक्टीरिया डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन। पेपिला क्या होता है हमने पहले देख लिया, तो हमें क्लेमीडिया में जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बेसिकली वो पता होने चाहिए, बाकी चीज़ें सारी सेम हैं। कंजंक्टिवाइटिस बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर हमें की पॉइंट्स पता हों विद रिगार्ड टू ईच टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। सो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन। इसके अलावा आईलेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये डायग्राम आप अगर याद कर लें, यही सारी चीज़ें हमें साइंस एंड सिम्टम्स में नज़र आएंगी। आईलेट इज़ एडिमेटस, आईलेट सेपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट है बिकॉज यहाँ बहुत सारा डिस्चार्ज है, तो आइज़ ओपन करना मुश्किल हुआ होता है कि हम उसकी कोई जो है एग्जामिनेशन कर सकें। एडिमा एंड डिस्चार्ज, और इसके अलावा अगर हम आईलेट्स अगर फ्यूज़ नहीं है, बेसिकली फ्यूज़ नहीं होती, डिफ़िकल्ट टू ओपन होती है बिकॉज डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं है कि यहाँ फ्यूजन हो गई है। यहाँ भी हमें क्या नज़र आएगा, जो अगर हम लिड को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिट्रैक्टर्स, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन तो करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेपरेट हो नहीं रही होंगी ये एडिमा और ये डिस्चार्ज नज़र आएगा। जब हम इसको सेपरेट करेंगे हमें क्या नज़र आएगा कि कंजंक्टिवा जो है वो टोटली रेड है, और यहाँ पे जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हमें इनसाइड नज़र आएगा, और कुछ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आएगी। ये भी सवेयर है, गोनोकोकल में भी कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट थी, और इसमें भी हमें कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ नज़र आएगा। ये कुछ इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपने पहचानना है इसको। और ये जो है पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा के ऊपर आपको माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन भी नज़र आ सकता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक तो कॉर्नियल अल्सर, इसके अलावा आयरिस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फिर इसके अलावा ये मेटास्टेटिक स्टोमेटाइटिस एंड आर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है, जो एक डिफरेंट पॉइंट है रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर बैक्टीरियाज जो हमें वहाँ नज़र नहीं आया। गोनोकोकल का सेम बात है, ये सिर्फ 2 to 4 days आफ्टर बर्थ होगा, जो हमने देखा कि विद इन फर्स्ट वीक डिवेलप होता है वो गोनोकोकल होता है। बाकी अदर पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, तो वायरल के आपने याद रखना है कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स आगे भी हम देखेंगे ये सब एक्यूट है, वो दोनों हाइपर एक्यूट थे। सब एक्यूट मीन्स के 1 to 2 weeks के अंदर डिवेलप हो रहा है। इसमें हमें जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ ब्लेफरो कंजंक्टिवाइटिस। ब्लेफरो कंजंक्टिवाइटिस मीन्स के आईलेड की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है, साथ में कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी। मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वायरल कंजंक्टिवाइटिस में, हर टाइप के वायरल कंजंक्टिवाइटिस में हमें वाटरी डिस्चार्ज मिलेगा, यानी सारी इन्वॉल्वमेंट है, रेडनेस है, लेकिन नो पस, नो म्यूकस, नो प्रूरलेंट डिस्चार्ज, ओनली वाटरी डिस्चार्ज। जो सबसे फास्टेस्ट कंजंक्टिवाइटिस विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कोई केमिकल इरिटेशन हुई है। सो वो केमिकल में इसने बता दिया। क्लैमीडिया की एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो यहाँ मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी, यहाँ पे हमें नज़र आएंगी इंक्लूजन बॉडीज। यहाँ आपकी बुक ने इसको मेंशन किया है माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन, लेकिन बेसिकली इसमें होती है फॉलिकल फॉर्मेशन, नॉट पेपिला। ये भी आपने बात याद रखनी है, बुक मेंशन कर रही है माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन, लेकिन हम जब फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस पढ़ेंगे उसमें हमें सबसे पहले हमने क्लमीडिया का देखना है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर हमें फॉलिकुलर रिएक्शन नज़र आएगा, लेकिन चूंकि बुक ने यहाँ मेंशन किया हुआ है इसलिए मैंने इसका यहाँ ये लिख दिया है कि बुक तो कह रही है नो फॉलिकुलर रिस्पॉन्स, लेकिन हमें इसमें नज़र आता है और इंक्लूजन बॉडीज़ ये नज़र आती हैं जो कि डायग्नोस्टिक होती हैं ऑफ द क्लमीडिया। सो दिस इज़ अबाउट ऑप्थेल्मिया न्यूरेटम। वी विल कंटिन्यू विद द वायरल कंजंक्टिवाइटिस एंड द फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस इन द नेक्स्ट पार्ट।